हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सादिक। एस हालोकार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वंडर सीआरवी पेट्रोल 2 लीटर इंजन के चेन गाइड टाइमिंग टूटने की वजह से। चेन गाइड टूटने की वजह से सेकंड पिस्टन और थर्ड पिस्टन दोनों जाम हो गया था, जिसकी वजह से हमारा इंजन सीज हुआ है। अभी इंजन ओवरऑल किए हम लोग, चलो शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारा बोर हेड लेंथ से काम हो गया चुका है। इधर है हमारा वाटर पंप, अभी रिंग्स फिट करने के लिए इसको खोलना पड़ेगा। पूरा खोल के फिर दोबारा फिट करना पड़ेगा, पेट्रोल वॉश करना पड़ेगा। खोलते हैं, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये होंडा सीआरवी पेट्रोल 2008 2 लीटर इंजन है ये। आप लोग देख सकते हैं हमारा क्रैंकशाफ्ट पूरा बोर से पूरा आउट कर दिया हूँ पिस्टन वगैरह। कनेक्टिंग बेंड था, बदलना पड़ा, सीज हो गया था। देख सकते हैं पिस्टन भी पूरा नवा हो गया है। देख सकते हैं पूरा, अब इसको पेट्रोल से पूरा क्लीनिंग करेंगे। देख सकते हैं आप लोग हमारा क्रैंकशाफ्ट बैठाने का प्रोसेस चालू हो गया। अभी अनामल लगा के लगाता हूँ, बाद में मिलता हूँ आपसे। देख सकते हैं आप लोग हमारा क्रैंकशाफ्ट बैठ गया है। देख सकते हैं आप लोग बिल्कुल फ्री है। अब पिस्टन लगाते हैं, पिस्टन लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप लोग हमारा रिंग्स बैठ गया है। अभी बोर को क्लीन हो गया है, अभी इसको अंदर घुसाएंगे। घुसाने के बाद आप लोगों को मिलता हूँ। आप लोग देख सकते हैं हमारा चारों पिस्टन ठूक दिया गया है अंदर। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं आप लोग लगा दिया गया पिस्टन चारों को, चारों अंदर। साउंड जो आ रहा है मोबाइल सेल का आ रहा है, सेटिंग बदलना पड़ेगा। देख सकते हैं आप लोग हमारा हेड भी फिटिंग हो गया है, पिस्टन वगैरह पूरा फिट हो गया है। देख सकते हैं अभी टाइमिंग बैठाने का बारी है, टाइमिंग बैठाएंगे। आप लोगों को दिखाता हूँ टाइमिंग बैठा के। देख सकते हैं आप लोग कैम शॉट का नया फुल्ली बैठा दिया हूँ, टाइमिंग फुल्ली। अभी इसमें भी बैठाऊँगा, टाइमिंग चढ़ाता हूँ, बाद में आप लोगों को बोलता हूँ। यहाँ पर टाइमिंग है, यू पे जो है वो आपकी तरफ रहना है। यहाँ पर एक डॉट का जैसा निशान दिख रहा होगा आप लोगों को, ये हेड का लेवल में रखना है। इधर है डॉट का निशान, से लेवल पर रखना है। और इधर एक मरका है, से इसका साथ मिलाना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स इधर डॉट है, यहाँ पर आता है दूसरा कैमशाफ्ट में, इधर डॉट है, इधर ये एरो का मरका बैठता है। ये हमारा ऑयल पंप का टाइमिंग है, यहाँ पर एक एरो का निशान है। ये दो पॉइंट्स दिख रहे होंगे आपको, डिसकलर, ये दोनों इधर बैठाना है। और ये एरो का निशान जो है इसका आमने सामने रहेगा, यहाँ पर स्टेट टू स्टेट। अभी घूम गया है इंजन, सिले आउट हो गया और कवर भी लग गया है। कवर लगाने से पहले टाइमिंग का ये लेना भूल गया था। एरो का निशान ये स्टेट टू स्टेट आएगा, एरो का निशान दोनों इसके बीच में आएगा और पिस्टन टॉप में रहेगा, फास्ट वाला पिस्टन टॉप में रहेगा। आप लोग देख सकते हैं हमारा पूरा फिटिंग हो चुका है। अभी क्लास प्लेट, फेदर प्लेट, बेयरिंग भी नवा लगा रहे हैं, फिर करेंगे। क्रैंकेस वगैरह पूरा बैठ गया है, वाटर पंप भी बैठा दिए, फिट करते हैं। फिट करके आप लोगों से मिलता हूँ। देख सकते हैं आप लोग वोल्डर कवर पूरा बैठ गया है, सेंसर पूरा पूरा लगा दिया है।
अभी गियर बॉक्स बटन का बारी है, मैनिफोल्ड इंजेक्टर पूरा बटन है, बैठने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, गियरबॉक्स वोल्डर कवर डायनामो एसी कंप्रेसर पूरा बैठ गया है। अभी वायरिंग फिट करना है, फिट करने के बाद आप लोगों को दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप लोग फ्रेंड्स, इंजन में पूरा वायरिंग वगैरह पूरा बैठ गया है, देख सकते हैं। फुल वायरिंग हो गया है, अभी इंजन बैठाने का बारी है, बैठाने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं हमारा इंजन चढ़ा दिया गया है, अभी इसका पाइप आना बाकी है, दूसरा पाइप है, पाइप लगाने के बाद स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हमारा इंजन स्टार्ट हो गया है। अभी ये जो गुट गुट आवाज़ आ रहा है, ये साइलेंसर बैठाया नहीं गया, साइलेंसर बैठाने के बाद आप लोगों को साउंड सुनाता हूँ मैं। अभी हमारा इंजन हो गया स्टार्ट, देख सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोग साउंड सुन चुके हैं इंजन का, हमारा फाइनली हो चुका है इंजन कंप्लीट, साउंड सुन सकते हैं। आज हम आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, देख सकते हैं आरपीएम पक्का 1000 में है। ये जो लाइट आ रहा है हैंडब्रेक है, मिला जुला के सब कुछ बराबर है। तो के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट, अगर चैनल में नया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं।